भाई तू जा, तेरी स्पीड मेरे से ज़्यादा होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू पूनम पंत ब्लॉग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ शाम के 6 बजे से, और जस्ट अभी मैंने जो है प्याज काटा, और प्याज काटने की वजह से मेरे आ रहे हैं आंसू। आज मैं फर्स्ट टाइम कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, पापा का फेवरेट, पापा को करेला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज भरवा करेला बनाया जाए। तो वैसे नॉर्मल करेला तो बनाया है, बट भरवा मैंने नहीं बनाया आज तक, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो बने रहिए आज के व्लॉग में, भरवा रेसिपी में। वैसे ना गाइस, मुझे ना डेली व्लॉग के बजाय कुछ ऐसे ही खाने पीने वाला व्लॉग बनाना चाहिए था, बनाया और वीडियो बनाया और डाला। जैसे कि मैंने करेलों को ऐसे पीसेस में काट के इनके अंदर का सारा मटेरियल जो है निकाल के ये रख लिया। अब जो है इनको मैंने कुकर में, दो सीटी कुकर में मैंने इनको ऐसे काट के डाल दिया था। इसमें थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला था, तो इनको दो सीटी में बॉईल कर लिया था। तो ये बॉईल हो गए, मैंने ऐसे खड़े कर दिए ताकि इनका सारा पानी जो है वो निखर जाए। बनाते हैं आगे का मसाला। फ़िलहाल मैंने प्याज काट दिया है, और ये थोड़ा सा लहसुन की फली है, इनको पतला पतला करके चॉप कर लेती हूँ, और अंदर का मटेरियल हो ही गया। साथ में थोड़ा सा खट्टा डालना होता है, आम तो है नहीं, मतलब जो ओरिजिनल जो खट्टा वाला हरा वाला आम होता है, फ़िलहाल वो है नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, अचार होता है जो नॉर्मल हम लोग अचार बनाते हैं, तो अचार के 2-3 टुकड़े ही इसमें मैश कर दूंगी ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। तो गाइस, मैं पहले ना इनको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ये मसाला बना के फिर इसके अंदर भरूँगी। बहुत से लोग भर के फिर तलते हैं, तो पहले एक बार मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि पहले इनको फ्राई किया जाए फिर भरा जाए। बात तो एक ही है, पकना तो दोनों को है। गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने इसमें 2 सीटियाँ गलत मार दी है। एक ही सीटी लगानी चाहिए थी मेरे को, क्योंकि हल्के से ना ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए। तो फिलहाल देखते हैं कैसे बनते हैं, क्या होता है। अब मैं तैयार कर लेती हूँ मसाला, प्याज लहसुन और ये करेले के अंदर का, और 2-3 अचार के टुकड़े। गाइज, मुझे ना बिना टमाटर डाले सज जैसी नहीं आई, तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। फिलहाल मेरी स्टफिंग बन चुकी है, मैं फटाफट इनके अंदर इसको भर के थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का सा और पका लूँगी, हल्का सा। जो मैंने भरवा करेला बनाया ना, इनमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा, हल्का फुल्का मतलब थोड़ा बहुत लगा, ज़्यादा नहीं लगा। गाइस देखिए, मैंने स्टफिंग पूरी कर ली है। अब मैं हल्का सा, मतलब देखो तेल भी बहुत कम डाल रखा है, इसी में मैंने मसाला बनाया था और इसी में तेल डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा बस। पापा को आज न्यूट्रेला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा। पापा का न्यूट्रेला पसंद है ना? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। मेरी तरह ही है खराब, मुझे भी कम पसंद है न्यूट्रेला। खाना ही कम पसंद है, कोई भी खाना। आज तो करेला कैसा बनाया पापा? करेला भैया को अंदर का मसाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं, देखती हूँ अभी। क्या सब्सक्राइबर बढ़े हैं भले एक आध तो बढ़ाए। क्या बताओ, कई दम ले रहे हैं साड़ियाँ। वाह यार, अच्छी लग रही है, बट बॉर्डर अगर कंट्रास्ट में होता तो। ब्लाउज तो है कंट्रास्ट में, पल्लू कंट्रास्ट ब्लाउज हमने 4 साड़ियाँ ले ली है, 1-2 इसके नीचे एक और, ये साड़ी मेरी फेवरेट। ये अच्छी लग रही है, बेस्ट बंगाल से आए हैं भैया। बहुत अच्छे अच्छे साड़ियाँ आए हैं, हैंडमेड की हाथ से बनी हुई साड़ियाँ हैं। पार्टी में रात को पार्टी वार्टी में मस्त लगेगी, गोल्डन ज्वेलरी पर बच्चे का प्यार मैम। भाई पापा के पास भी है। हाँ।
ये देखो मैम के पड़ोसी का नंबर तो होने चाहिए। वाओ लग रही ना सुंदर। Hey guys, व्लॉग की शुरुआत दूसरे दिन के सुबह से कर रही हूँ। लगभग 5:30 हो रहा है तो उठ के जो है फ्रेश होके हाथ मुँह धो लिया है मैंने और अब जा रही हूँ कार सीखने के लिए। मुझे कार सीखते सीखते हो गए हैं 5-6 दिन और बढ़िया से मतलब ठीक ठाक आने लग गई है। तो देखते हैं आज अगर वीडियो बन पाता है चलाने का तो वीडियो बनाएंगे। तो बच गए 5:30, मैं और भैया गाड़ी चलाने को चले जाएंगे, पापा जो है घूमने को चले जाएंगे और मम्मी जो है उठ के अपना नहाना धोना करके पूजा पाठ का करेगी। वीडियो बनाने को कहा, फोटो खींच देते हैं। ब्लॉग से आगे आ गया क्या? नहीं अभी ब्लॉग से राइट ले। ब्लॉग से दबो मत, बस दबो, गड्ढे में जाएगी गाड़ी। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। अंकल जी ओवरटेक हो गए हैं अच्छे से। जा भाई तू जा, तेरी स्पीड मेरे से ज्यादा होगी। ये बुड्ढा अंकल जी अब ये चलाना सीखने लग गए हैं। इसको डाउन करो। साउथ इंडिया वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम नाउ, पॉपुलेशन इज डाउन। अभी वो गलती मत करना, बस यहां पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। देयर इज पापा घूम रहे हैं, हम कार में घूम रहे हैं। पापा पैदल हमारे इसके ऊपर मत डाल, थोड़ी गड़बड़ होगी तो पैनिक कर दे रहा है, फिर जिगटिक कमी हो जाए। तो गाइस पहुंच गए हैं घर और समय हो गया है 7:30 यानी कि 5:30 पुणे के आसपास निकले थे और 7:30 बजे घर पहुँच रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। आज तो बहुत सारा रिवर्स करना भी सीखा मैंने, रिवर्स करके फिर आगे बढ़ना, मोड़ना, काटना। ट्रेनिंग जारी है भैया के द्वारा, भैया बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।